उत्तराखंड के कई इलाकों में सोमवार को मौसम खराब है। सुबह से ही मौसम बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून सहित धुंध छाई हुई है। कुछ हिस्सों में हल्की धूप खिली है। वहीं मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान जताया है। राजधानी देहरादून में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं। यहां बादलों और धूप का आना जाना लगा हुआ है। बहरहाल मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। मसूरी में भी बादल छाए रहे, यहां बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यमुना घाटी में भी बारिश का मौसम बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले स्थानों पर सोमवार और मंगलवार को बारिश और हल्की बर्फबारी होने के आसार है, जहां मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में दिनांक 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हल्की रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है। तो इस दौरान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, उसमें भी खास करके जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, इनमें कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। जबकि जो उत्तराखंड के बाकी जनपद हैं वहाँ पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। तो ये एक्टिविटी 22 से 24 के बीच में रहेगी और इस दौरान जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें भी खास करके देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, ये जनपद हैं, इनमें कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में अधिकतम तापमान अभी सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, जो अगले 3 दिन में भी ऐसे ही बने रहने की संभावना है। उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी की वजह से 23 और 24 तारीख में उत्तराखंड में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे गिर सकते हैं।